श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो नवरात्रे आने वाले हैं, दीपावली आने वाली है, त्यौहार आने वाले हैं, तो सभी के लिए ये जो कपड़े हैं वो तो पहले से ही, फरवरी में ही मैं जब गई थी तो चांदनी चौक से बहुत सारा स्टॉक लेकर आई थी। तो अब सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सभी के लिए वस्त्र बनाने शुरू हो जाएं, क्योंकि त्यौहार शुरू होने वाले हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ब्लू और ये लाइट पर्पल, रेड एंड गोल्डन, रेड एंड ब्लैक, है ना। तो जल्दी जल्दी सभी के लिए बना रही हूँ, आप भी कमेंट करके बताएं कि कौन सा अच्छा लग रहा है कलर सबसे ज़्यादा। ये रेड एंड ब्लैक एक जोड़ी बना दूँगी, है ना, और मुझे तो सुंदर लग रहा है। बाकी देख के पता चलेगा बन के कैसा आएगा। ये मैं कल ही मार्केट से लेस खरीद के लाई थी, तो ये रेड एंड गोल्डन भी मुझे अच्छा लग रहा है। पर्पल और ब्लू आपको कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन? अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं, कल से बनाना शुरू करूँगी। तो बताइएगा अगर कोई कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसे चेंज कर दूँगी। अस्तर भी हैं, है ना, सांवरिया के भी दर्शन कर लीजिए, वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली उनका मेजरमेंट लेना था हमेशा, क्योंकि ये ड्रेस थोड़ी अलग तरह से बनाऊँगी तो सोच रही हूँ कि प्रॉपर इन्हें यहाँ इसीलिए विराजमान करा है। और रेड एंड गोल्डन मुझे अच्छा लगता है, लेस इसके ऊपर ये भी अच्छी लगेगी और रेड एंड गोल्डन पे भी अच्छी लगेगी। तो धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, आप सबकी भी तैयारी हो चुकी होंगी अपनी लाडली के लिए, अपने लड्डू के लिए, हमारे युगल सरकार के लिए। अभी इसमें देखूँगी ब्लू और पर्पल में क्या लेस लगाती हूँ, लेस अभी अंदर भी बहुत सारी रखी हैं। तो जब मेरी युगल सरकार आए थे शिवरात्रि पे, तो तभी मैंने जो शॉपिंग की थी तभी चांदनी चौक से जाके बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन के कपड़े ले आई थी, अभी अंदर भी बहुत सारे रखे हैं। बट पहले सोच रही हूँ कि ये ब्लैक रेड और ब्लू बना लेते हैं, फिर जब ये बन जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ा तैयार हो चुका है जो मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, है ना, और तीन ये हो गए और एक जोड़ा और देखूँगी सुंदर सा दीपावली के लिए। कुछ मैं पर्पल कलर चाह रही हूँ, वो जामनी कलर होता है ना, कुछ जामनी और पिंक कलर का कुछ ऐसा बनाऊंगी सभी बच्चों के लिए। तो बस धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं, आप भी बताइएगा कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, है ना, अभी थोड़े ही दिनों में, दो चार दिन में, और फिर दीपावली आ जाएगी, धनतेरस आ जाएगा, रक्षाबंधन आ जाएगा, बहुत सारे त्यौहार आ जाएंगे। और मेरे तो भगवान जी भी बहुत सारे हैं, ऋषि के लिए बनना है, सांवरिया के लिए बनना है, रानी, माधव, विष्णु, मेरे युगल सरकार, कला, केशव, सभी के लिए धीरे धीरे बनना है, है ना। तो देखो सांवरिया कितने खुश हो रहे हैं कि वाह मुझे यहाँ बिठाया है। इनकी जो ये नई ड्रेस है ये भी मैंने ही बनाई है परसों रात को, ये कपड़ा भी रखा हुआ था, सबके इस कपड़े में बने थे, बस सांवरिया के ही नहीं थे तो रात को बना दी मैंने, कहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता सब एक जैसे और सांवरिया अलग हो जाएंगे। तो बस यही चल रहा है कि किस पे कौन सा लेस लगाई जाए, किस पे कौन सा गोटा लगाया जाए, को कैसे बनेगा, कैसे होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामने से देख रहा होता है, सुन रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे लग रहे हैं पहले तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी बनाना शुरू नहीं किया है। आप कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं उसको चेंज भी कर दूंगी, क्योंकि दूसरे की आँख का देखा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं तो, बाकी तो जब बन जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो बताइएगा ब्लैक रेड ब्लू पर्पल कैसे लग रहे हैं। तो जल्द से जल्द मैं इन सबको क्या कहते हैं अच्छे से तैयारी करूँ। लेस आ चुकी है, आप देख रहे हैं मशीन भी बिल्कुल तैयार है, घर पूरा फैला हुआ है, रूम अभी टेबल हटाऊंगी, क्योंकि जब बनानी होती है ड्रेसेस तो आपको पता है कि बहुत सारा फैलावा होता ही है और घर इधर उधर सब कुछ हो ही जाता है। तो बस करती हूँ फिर मैं भी अपने प्रभु जी के ये सारे वस्त्र धीरे धीरे सिलती हूँ, क्योंकि बहुत समय लग जाता है एक दिन में, ये मान लीजिए कि आधा काम भी नहीं हो पाता। तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हरि बोल।